बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सिक्स क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है तो पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब तो पहले जानिए। मैंने बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। गुणनखंड वो होता है, जैसे कि हमें क्या करना है, हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 जो है किस किस से कटेगा? देखो, 6 जो है 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, ठीक है, और 6 से भी कट सकता है। तो ये हमारे क्या हुए, 1, 2, 3, 6 हमारे क्या हुए, गुणनखंड हुए। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलिए करते हैं। ये हमारा पहले का ए वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 और 28। ठीक है, 20 और 28 के हमें क्या निकालना है, सार गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, तो हमारे 20 के गुणनखंड क्या होंगे? तो अब आप बताइए, 20 जो है किस किस के पहाड़े में आएगा, जल्दी से बताइए। 1 के पहाड़े में आएगा, आप कहोगे हाँ। 2 के पहाड़े में आएगा, हाँ, तो 20 2 से भी कटेगा। 3 से कटेगा तो नहीं कहेंगे आप। 4 से भी कटेगा, ठीक है। 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब 4 तक आपने कर लिए, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो, 4 5 20, 2 52, ठीक है, ये 2 लिखा है ना, तो 52 20। 1 की 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20, ठीक है। कुछ कर लीजिए, ठीक है, कुछ का मतलब, जैसे कि हमने क्या किया, 1 का किया, 2 का किया, 4 का किया, फिर हम देखते हैं 4 5 20, ठीक है। फिर हमने 5 का चेक किया, 5 के चेक करने पे हमें क्या आया, 5 चक्कू 20, मतलब वापस से हमें 4 मिल रहा है। तो वापस से हमें 4 मिल रहा है, तो समझ लो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। ऐसे ही इसका पहाड़ा पढ़ने पे इसकी इसकी गुणा, मतलब इसकी इसकी गुणा 20 आनी चाहिए, इसकी इसकी गुणा 20 आनी चाहिए, इसकी इसकी गुणा 20 आनी चाहिए, ठीक है। आधे आप तो कर ही लेंगे, बाकी के आप भाग करके कर सकते हैं, ठीक है, या गुणा करके कर सकते हैं, जो भी आप समझिए, ठीक है। 20 के गुणनखंड हो गए। अब हमें किसके निकालने हैं, 28 के गुणनखंड, ठीक है। 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, तो 1 तो लिखने ही लिखना है। 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। 2 से क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो सम है, जिसकी लास्ट डिजिट सम हो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग जो है, इन दोनों संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 2 10, तो 10 तो हमारे 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो मतलब 3 से कटेगा नहीं। 4 7 28 होता है, ठीक है, और 5 से नहीं कटेगा, 6 6 चौक 24 6 5 30, 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 7 7 चौक 28 होता है, ठीक है, 7 करेंगे और 7 चौक 28, मतलब 4 आ रहा है, ठीक है, मतलब इसका गुणा करने से ये 28 आ रहा, इसका गुणा करने से 28 आ रहा। अब हम 2 से देखेंगे, ठीक है। अब जब हमको अदला बदली मिल रही है, ठीक है, अब हम इस पे चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 28 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से 28 को भाग देंगे तो 2 1 2 2 6 8, ठीक है। अब 1 को 28 से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा 28 ही आएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं इनके, अब हमें निकालने हैं इनका सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सार्वगुणनखंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ दोनों में हो, ठीक है, जो गुणनखंड दोनों में हमें कॉमन मिलते हो, जैसे क्या, 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दिया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 लिख दिया। 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, ना इसमें 7 है, ना 14 है, ना 28 है, बाकी कुछ हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो बाकी जब हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है।
तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपना दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसे रफ करते हैं। तो हमारा बी वाला क्या है देखते हैं। बी वाला जो है 15 और 25 है, 15 और 25 ये है हमारा, ठीक है? तो हम किसको गुणनखंड निकालेंगे, 15 के। तो 15 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे देखते हैं। एक से तो कटेगा कटेगा, 2 के पहाड़े में 15 आता है तो आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि 5 जो है 15 का लास्ट डिजिट जो 5 है वो हमारा विषम है तो नहीं कटेगा, ठीक है? 3 के पहाड़े में आएगा, 3×5=15 होता है। फिर हम 4 से नहीं कटेगा, 5 से करते हैं, 5×3=15 मतलब हमको 3 मिल गया, 3×5=15, 5×3=15 यहाँ पे हमको अदला बदली मिल रही है। तो मतलब अब जो है डायरेक्ट हमारा क्या लिखा जाएगा, एक इसके बाद ये आएगा ना, एक एक को 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 15 आएगा। ऐसे ही हम 25 का करते हैं, 25 जो है एक से तो कटेगा कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5×25, ठीक है? फिर हम 6 करेंगे, 6 से नहीं कटेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 5×25 मतलब 5×25, 5×5 आ रहा है ना, तो समझ लो 5×5 आ रहा है जहाँ पर, वही संख्या मतलब 6×36 5×25 इस तरीके से आए तो हमें उसके पहले वाले से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1 से 25 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 ही आएगा। अब हम क्या ढूंढेंगे, सार गुणनखंड ढूंढेंगे। तो सार गुणनखंड हमको ऐसे मिलेंगे, 1 दोनों में आ रहा है 1 लिख दो, और कुछ दोनों में आ रहा है 5 आ रहा है दोनों में 5 लिख दो, तो यही और तो कुछ आ नहीं रहा है तो ठीक है, 1 और 5 हमारे क्या हो जाएंगे, सार गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है? ये क्या हो जाएंगे, सार गुणनखंड हो जाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अपना सी वाला क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे इतना कुछ है नहीं आपको नोट करने वाला, मतलब कि नोट तो करना ही है आपको, नोट्स तो बनाने हैं, नोट तो करना ही करना है। मेरा मतलब है कि इतना टाइम नहीं लगेगा आपको नोट करने के लिए, ठीक है? ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दो, ये बिगाड़ दो, ये बिगाड़ दो, ये बिगाड़ दो, बस इतना ही करना था। सी वाला देखते हैं अब हम, सी वाले में क्या है, 35 और 50, 35 और 50 है हमारा, ठीक है? तो हम किसके गुणनखंड निकालेंगे अब, 35 के। तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है? दो के पहाड़े से हमारा 35 नहीं कटेगा, ना 3 के पहाड़े में हमारा 35 आता है, ना 4 के पहाड़े में आएगा, ना सॉरी 5 के पहाड़े में तो आएगा ही, 5×7=35, ठीक है? सॉरी यहाँ पे हमको 5 लिखना है, 5×7=35, ठीक है? अब हमको क्या लिखना है, 6 से देखेंगे, 6 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से कटे देखेंगे, 7×25=35, ठीक है? 7×25=35 मतलब हमको यहाँ पे अदला बदली मिल रही है, अदला बदली मिल रही है, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है? आगे क्यों, आगे वाले हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 8, 9, 10 ये हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमको अदला बदली मिल रही हो तो हमको यहाँ पे चलेंगे, 1 के गुणा जब हम किससे करेंगे, 35 से करेंगे तो हमारा 35 ही आएगा, ठीक है? ये हो गया। अब हम किसके देखेंगे, 50 के देखेंगे, ठीक है? तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है? 50 में लास्ट डिजिट जो है 0 है, 0 हमारी क्या है, सम होती है, तो मतलब ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है? 3 से कटने के लिए इन दोनों का योग जो है, योग जो है वो 3 से कटना चाहिए, इसका योग जो करेंगे इन दोनों अंकों का तो 5 आएगा, तो 5 3 से कटता नहीं, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। फिर हम किससे देखेंगे, 4 से, तो 4 से भी नहीं जाएगा। फिर हम किससे देखेंगे, फिर हम देखेंगे 5 से, तो 5×50=20 होता है, 5 लिखना था हमें, 5 लिख दिया। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, ठीक है? 10×25=50 होता है ना, अदला बदली मिल गई। फिर हम इसको देखेंगे, 2 से 50 को जब भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा,
ठीक है, 2 से 50 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4 एक बचा, 0 तारा 2 पंचे 10 ठीक है, तो हमारा कट गया, तो हमारा क्या आया 25 आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। अब 1 को 50 से भाग देंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है ये हो गया। अब हम इनमें कॉमन देखते हैं, सार गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 दोनों में है 1 लिख दो, 5 2 तो इसमें है नहीं, 5 दोनों में है 5 लिख दो, और 7 इसमें नहीं है, 35 इसमें नहीं है, ना इसमें 5 है, सॉरी ना इसमें 10 है ना 25 है, ठीक है, तो हमारा सार गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे 1 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब हम करते हैं अपना डी वाला करेंगे, जल्दी से नोट करिए। अच्छा तो डी वाला हम करते हैं, तो डी वाला जो है वो हमारा क्या है 56 और 120, तो हम किसके गुणनखंड निकालेंगे अब 56 के, तो 56 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे, देखो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, इसकी लास्ट डिजिट 6 है जो कि सम है, तो 2 से भी चला जाएगा, इन दोनों अंकों का योग करते हैं, देखो 6 5 11 तो 11 जो है 3 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता है तो मतलब 3 से नहीं जाएगा, 4 से देखते हैं, ठीक है 4 से देखते हैं, तो चलिए 4 से भाग करके देखते हैं, ठीक है, तो 4 और 56 4 एकम 4 बच गया 1, 6 उतारा 4 चक्कू 16 पूरा कट गया, मतलब अब हमारा 4 से चला जाएगा तो 4 लिख देंगे, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक है 7 से चला जाएगा, ठीक है 7 8 56 होता है ना, फिर 8 से 8 7 56 ठीक है 8 से भी चला जाएगा, मतलब 7 8 56 8 7 56 हमको यहाँ पे अदला बदली मिल गई है, तो हम किस पे चलेंगे 4 पे चलेंगे। अब हम 4 को भाग करेंगे 56 से तो क्या आएगा हमारा 14, हमने भाग करके देख ही लिया है तो हमारा क्या आया 14, ठीक है 14 चक्कू 56 होता है। फिर हम 2 को भाग करेंगे, ठीक है 2 को भाग कर लेते हैं 56 से, तो चलिए करते हैं 2 दूनी 4 एक बचा, 6 उतारा 2 8 16 ठीक है, तो हमारा क्या आया 28 आया, तो हमने यहाँ पे 28 लिख दिया। फिर हम 1 को भाग करेंगे 56 से तो हमारा क्या आएगा 56 ही आएगा, ठीक है तो इसके गुणनखंड जो हैं ये हमारे इतने निकले हैं। अब हम किसका निकालेंगे 120 का निकालेंगे, 120 के गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है तो 120 जो है उसको निकालेंगे, तो भाई 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है वो कि सम है, 3 से तो इसका सम करके देखते हैं 1 और 2 3 3 में 0 जोड़ा तो हमारा 3 ही आया, और 3 जो है वो हमारा 3 से कटेगा तो मतलब ये 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, ये देखो 4 3 12 और 0 है ठीक है मतलब कट गया पूरा तो 4 से भी जाएगा, 5 से भी चला जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है, 6 6 2 12 होता है तो 6 से भी चला जाएगा, तो 7 से जाएगा, ये 7 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है इसकी ठीक है, आठ से देख लेते हैं 120 8 एकम 8 बचा 4 0 टारा 8 5 40 ठीक है पूरा चला गया तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे ठीक है। अब हम सॉरी 8 लिख देंगे 8 नहीं 8 लिख देंगे, फिर अब हम किससे करें 9 से जाएगा तो 9 से ये नहीं जाएगा, और 10 से चला जाएगा ठीक है, और 11 से भी नहीं जाएगा, और 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा ठीक है, 12 दहामन 120 होता है ठीक है। अब हमको क्या मिला 12 दहामन 120 मतलब 10 मिल गया, 10 की 12 से गुणा की तो 120, 12 की 10 से गुणा की तो हमारी 120, मतलब हमको अदला बदली मिल गई है, अदला बदली मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे भाई? तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बाकी के जो हैं उनसे भाग करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी बारी आएगी, 8 को भाग करते हैं 120 से, तो हमारा क्या आया था, अभी हमने देखा था हमारा 15 आया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिख देंगे हम, 15 लिख देंगे। फिर हम 6 को भाग करेंगे 120 से, 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 6 दूनी 12 होता है और 0 उतार दिया, ठीक है। फिर 6 को भाग किया तो यह 5 को भाग करेंगे 120 से, तुम्हारा क्या आएगा, चलो दिखा देते हैं आपको। 5 को 120 से जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 उतारा, 5 को 20, 24 आया, ये लिख दो। अब हम 4 को भाग करेंगे 120 से, 4 तिया 12, ठीक है, और 0 बचा, 0 उतार दो, तो हमारा क्या आया, 30 आया। फिर हम 3 से करेंगे, 3 चक्कू 12 होता है, 0 उतार दो। 2 से करेंगे, 2 छंग 12 होता है, 0 उतार दो। 1 से करेंगे तो 120 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सार गुणनखंड जो हैं इतने सारे आए हैं, क्या हैं इसके गुणनखंड जो हैं वो इतने सारे आए हैं, और इसके निकालने का जो तरीका है मैंने बहुत ही ईजी तरीका आपको बताया है, ठीक है। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ तक तो कर लेंगे, 10 तक तो कर लेंगे, उसके आगे के नहीं समझ में आते हैं उनको क्या क्या होगा, वो गिनतियाँ पढ़ते हैं, उनका पहाड़ा निकालते हैं। पर सबसे बेस्ट तरीका जब हमको ये मिलता है, जब हमको अदला बदली मिल ले तो उसके पीछे से हम चलते हैं, ठीक है, पीछे से हम भाग करते हुए चलें तो हमारे बाकी के जो हैं वो आते रहेंगे। अब हमको 7 गुणनखंड निकालना है, 1 दोनों में है 1 लिख दो, 2 दोनों में है 2 लिख दो, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है 4 लिख दो, 5 नहीं है, 6 नहीं है इसमें, 7 नहीं है, 8 है दोनों में, ठीक है, 8 है दोनों में, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है किसी में, 12 दोनों में नहीं है, 15 दोनों में नहीं है, 20 दोनों में नहीं है, 24 दोनों में नहीं है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे ये जो हैं 1, 2, 4, 8 ये हमारे क्या हो गए, सार गुणनखंड हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सार गुणनखंड हो गए, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सबसे ईजी तरीका बताया है, ये तरीका जो है यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया है करने का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास जो है वो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको बता दें, आप पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मुझे पता है जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा होगा। और आपको बता दूँ, आपके जो अदर्स चैप्टर हैं, ठीक है, 6th क्लास के अदर्स जो चैप्टर हैं वो उसकी जो लिंक है वीडियो की, ठीक है, वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक, हर चैप्टर की लिंक जो है वो चैप्टर वाइज पड़ी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और हमारे चैनल पे 6th क्लास और 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।